हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई से जुड़ी बहुत सी अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंसानी शरीर के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेफड़े के बारे में पढ़े दोस्तों। इंसान के फेफड़े बहुत जटिल और मुख्य अंगों में से एक है। फेफड़े एक दिन में लगभग 20 लाख लीटर हवा फिल्टर करते हैं। हमारे फेफड़े को अगर खींचा जाए तो यह एक पूरे टेनिस कोर्ट को भी ढक सकते हैं। बिगेस्ट फैक्ट्री, इंसानी शरीर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी कहा जाती है। क्यों? यह प्रतिदिन सेकंड 2.5 करोड़ नए सेल्स का निर्माण करती है और प्रतिदिन लगभग 200 अरब से भी अधिक रक्त कोशिकाएं का भी निर्माण करती है। आपको बता दें कि शरीर में हर वक्त 250 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद रहती हैं और एक बूंद खून में लगभग 25 करोड़ ब्लड सेल्स होती हैं। स्पीड ऑफ ब्लड यानी कि खून की रफ्तार कितनी है शरीर में? इंसानी शरीर में लगभग 5.6 लीटर खून पाया जाता है। खून के शरीर में से घूमने की स्पीड इतनी तेज होती है कि यह मात्र 20 सेकंड में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेती है। एक दिन में खून हमारे शरीर में लगभग 1,92,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। दिल, स्वस्थ इंसानी दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, यानी पूरे साल में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा बार। दिल खून को पूरे शरीर में पंप करता है और इसका पंपिंग प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि अगर खून को शरीर के बाहर पंप किया जाए तो यह खून हवा में 30 फीट तक ऊंचा जा सकती है। आंखें, इंसानी आंखें इतनी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह इतना ताकतवर है कि करोड़ों रंगों में भी अंतर बात सकती है, यानी कि अंतर बांट सकती है। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ऐसा कर पाने में सक्षम हो। नाक, शरीर में नाक नेचुरल एसी का काम करती है। यह बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडा और अंदर से बाहर जाने वाली ठंडी हवा को गर्म करती है तथा फिल्टर करके हवा को फेफड़े तक पहुंचाने का काम करती है। बॉडी वाटर, इंसानी शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। पानी के अलावा शरीर में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कास्फेट, निकोलियर, सिलिकॉन में भी पाए जाते हैं। अगर शरीर में 10% भी पानी की कमी हो जाए तो डिहाइड्रेशन से मौत भी हो सकती है। छींक, छींक की रफ्तार 160 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। छींक के बारे में मजेदार बात यह है कि आप आंखें खोलकर नहीं छींक सकते। दांत, दांत शरीर का सबसे मजबूत अंग है। यह चट्टान जितने मजबूत होते हैं और यह इकलौता अंग है जो कि अपनी मरम्मत नहीं कर सकता। एक बार अगर दांत कमजोर हो जाए या खराब हो जाए तो काम तमाम। लार, प्रतिदिन मुंह में 1.7 लीटर लार बनती है जो कि जीभ की 10,000 जवाब ग्रंथियों को नम रखने और खाना पचाने के लिए काम आती है। पलके, इंसानी पलकों का काम आंखों में कचरा ना जाने देना और गंदगी और पसीने को बाहर निकालना है। एक रिसर्च के अनुसार औरतों की पलके पुरुषों की तुलना में ज्यादा छपकती है। नाखून, इंसानी नाखून हर पल हर दिन बढ़ते रहते हैं, लेकिन सभी उंगलियां की नाखून को ग्रोथ के समान नहीं होती। मिडिल फिंगर यानी बीच की उंगली का नाखून सबसे तेजी से बढ़ता है और अंगूठे के नाखून सबसे धीमी गति से बढ़ता है। तांत्रिक तंत्र, दिमाग में 100 अरब से भी ज्यादा तंत्रिकाएं होती हैं। तांत्रिक तंत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूचनाओं और निर्देशों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाती है। अगर यह काम ना करे तो शरीर में लकवा मार जाएगा। खाने का वक्त, एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में औसतन 5 साल खाना खाने में खर्च कर देता है और अपने पूरे जीवन में अपने वजन से 700 गुना ज्यादा खाना खा लेता है। बैक्टीरिया, इंसानी शरीर में हर वर्ग इंच त्वचा में लगभग 3.5 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसानी शरीर का 10% वेट बैक्टीरिया का ही होता है। अगर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हमारा चैनल लाइक करिएगा।